सैयद मॉन्टेसरी स्कूल और सर सैयद मेमोरियल हाई स्कूल जो है वो अब इंटर हो गया है। और इसमें जो है जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ये आपदा चल रही है, इसमें यहाँ सर सैयद अकेडमी के हमारे मैनेजर साहब जनाब अफजल खान साहब ने ये बच्चों के लिए आधी फीस जो है फ्री कर दी गई है। मैं सर सैयद के मैनेजर अफजल साहब से दरख्वास्त करूंगा वो आपको इस चीज से अवगत। भाइयों और बहनों, मैं हाजी मोहम्मद अफजल खान, सर सैयद इंटरनेशनल स्कूल मोहल्ला अली सर सैयद डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, जो दर्जा 8 तक इंग्लिश मीडियम से मान्यता प्राप्त है, उसका मैनेजर हूँ। और सर सैयद मॉन्टेसरी स्कूल, जो दर्जा 8 तक हिंदी मीडियम से मान्यता प्राप्त है, तथा सर सैयद मेमोरियल हाई स्कूल, जो दर्जा 10 तक यूपी बोर्ड इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त है। सर सैयद मेमोरियल हाई स्कूल को 11 साल से गुज़िश्ता 11 साल से हाई स्कूल यूपी बोर्ड में इम्तियाजी नंबरों के साथ में 100% रिजल्ट रहा है इसका। इस साल का रिजल्ट अब आना बाकी है, वो अब रिजल्ट अब आएगा। इन स्कूल्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये स्कूल बहुत कम खर्च में बच्चों को तालीम देने के मकसद से चल रहे हैं। जैसे कि अब सभी लोगों को मालूम है, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया एक परेशानी में चल रही है, और लॉकडाउन की वजह से, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया था, उसमें सभी फिरके के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने उनका साथ दिया और पूरा ताउन दिया। जब ही से ये कंटिन्यूएशन में 50 दिन तक आज पूरे कल कारखाने और जितनी भी दुकानें हैं और उद्योग हैं सब बंद हैं, उनकी वजह से एक परेशानी ये जरूर आई है कि लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ी है कि वो उनको कोई रोजी रोटी का धंधा नहीं रहा, और परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में जो हमारे सर सैयद स्कूल्स हैं, जिनकी पेरेंटल बॉडी अलहाज हकीम सईद अहमद खान मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट और सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड के अहदेदारान और मेम्बरान ने मुत्तफ़िक तौर पर यह फैसला लिया है कि स्कूल में जो अप्रैल मई जून 3 महीने की फीस है, उसको आधा बच्चों के लिए रिलैक्सेशन के तौर पर छोड़ दिया जाए। मैं माफ लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जरा सा अच्छा सा नहीं लगता कि ये मगरूरियत की निशानी है। मगरूरियत की निशानी है कि हम बच्चों को माफ कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को माफ कर रहे हैं, और वो बहुत जैसे बहुत ज्यादा पसमानदा हूँ और हम बहुत ज्यादा कुछ अमीर रईस आदमी हूँ, जबकि एक छोटा सा इदारा है वो के तालीम आला दर्जे की है इस इदारे में। तो मैं यहाँ पर ये भी गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जो स्कूल की पेरेंटल बॉडी है अलहाज हकीम सईद अहमद खां मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट और सर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर्ड के अहदेदारान और मेम्बरान ने ये आश्वासन दिया है कि अगर छूट की वजह से, फीस की छूट की वजह से, जो पेरेंट्स को फीस में आधी छूट दी गई है, उसकी वजह से स्कूल के निजाम में किसी तरह की कोई परेशानी आती है, तो वो अपनी जेब खास से उसकी मदद करेंगे। ये बताया जाना जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम से इस स्कूल को कोई एड किसी तरह की नहीं मिलती है बच्चों की फीस से, और संस्था अपने अन्य संसाधनों से इसको चला रही है और बखूबी अंजाम दे रही है। जहां तक
सवाल ये है कि जो सर सैयद मेमोरियल हाई स्कूल है वो इस साल इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत होकर के मान्यता मिल गई है और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इस इंटरमीडिएट स्कूल में 11वीं में जो बच्चे दाखिल होंगे उन्हें केवल लड़कियों के लिए रखा गया है, जिससे दुराचार की संभावनाएं कम से कम हो और उनमें कंट्रोल खान साहब, सर सैयद मेमोरियल एकेडमी और सर सैयद मॉन्टेसरी स्कूल इसके मैनेजर जिन्हें अभी तक गवर्नमेंट से भी अभी कोई ऐड नहीं मिली है, बता रहे हैं कि बच्चों की फीस से ही इस स्कूल का सब मामला चल रहा है। मैं नवीदुल्ला सिद्दीकी, द इंडियन मैसेज न्यूज नेटवर्क, सहारनपुर।